दोस्तों, आप लोग गरीब रथ ट्रेन के बारे में तो जानते ही होंगे, और जो हमारी देश की पहली गरीब रथ ट्रेन है, इसमें लगने जा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस वाले डिब्बे यानी LHB कोचेस, और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हमारी देश की पहली गरीब रथ ट्रेन कब चलाई गई थी और कहां से कहां तक चलाई गई थी, इस ट्रेन को किस उद्देश्य से चलाया गया था और अब इसमें LHB के कोचेस क्यों लगाए जाएंगे, इसी के बारे में आज हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको सभी चीज़ों की जानकारी डिटेल में देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो साल था 2006 का, जब वहां के तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस ट्रेन की शुरुआत की थी और इसको शुरू करने का उद्देश्य गरीबों को भी सस्ते में राजधानी एक्सप्रेस जैसी तेज चलने वाली AC ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराना था। हालांकि इस ट्रेन की गति तो कमावेश राजधानी एक्सप्रेस वाली ही है, लेकिन उस समय इसके लिए जो अलग कोच डिजाइन किया गया था उनमें वैसी सुविधा नहीं थी। इसीलिए अब रेलवे इन ट्रेनों के जो कोचेस हैं उनको रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है और देश में जितनी भी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं उनको अब सभी को एक एक करके LHB कोचेस दिया जाएगा। गरीब रथ ट्रेन हमारी गरीबों को ध्यान में रखते हुए चलाई गई थी और गरीब लोग भी सस्ते में AC ट्रेन का सफ़र कर सके, इसके लिए गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की गई थी। गरीब रथ ट्रेन की एक और विशेषता थी इसका समय, और इस ट्रेनों का समय लगभग राजधानी एक्सप्रेस जैसा था, इसीलिए इसमें गरीब ही नहीं अमीर भी बड़े शौक से चढ़ते थे। इस श्रृंखला की पहली ट्रेन 5 अक्टूबर 2006 को चली थी। उसके बाद इस श्रृंखला में कई ट्रेनों को चलाया जा चुका है, जैसा कि हमारी पहली गरीब रथ ट्रेन बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के बीच में चली थी और इस गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत 5 अक्टूबर 2006 को हुई थी और उसी दिन देश की पहली गरीब रथ बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए रवाना किया गया था। इसका जो ट्रेन नंबर था वो 1203 और 1204, और अब इस ट्रेन में जर्मन तकनीकी वाले यानी LHB के कोच लगाए जाएंगे। ये डिब्बे राजधानी एक्सप्रेस में शुरुआत में लगाने के लिए जर्मनी से आयात किए गए थे। यूं तो देश में इस समय करीब दर्जनों भर गरीब रथ ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन देश की पहली गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर के बीच में चलने वाली थी। हालांकि शुरुआत में इसका रूट सहरसा से हाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला कैंट होते हुए अमृतसर तक था, लेकिन बाद में इसका रूट बदलकर अम्बाला से नई दिल्ली होते हुए कर दिया गया। और अब इस ट्रेन में जर्मन तकनीकी वाले डिब्बे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं डिब्बों को LHB कोच कहा जाता है। इन डिब्बों को पहले जर्मनी से आयात किया गया था, बाद में इसे भारत में ही बनाया जाने लगा। पहले पहल इन डिब्बों को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में लगाने के लिए आयात किया गया था और अब तो सभी ट्रेनों में LHB कोच ही लगाए जा रहे हैं। चलिए अब हम आपको फटाफट बता देते हैं कि कब से इसमें LHB के कोच लगाए जाएंगे। तो मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर CPTM के कार्यालय से कुछ दिनों पहले जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार अमृतसर से रवाना होने वाली 1204 गरीब रथ में LHB रैक 7 अगस्त 2024 से जोड़े जाएंगे। वहीं सहरसा से रवाना होने वाली 1203 गरीब रथ एक्सप्रेस में जो LHB के कोच हैं वो 8 अगस्त से जोड़े जाएंगे और फिर यात्री एक आरामदायक सफर तय कर सकेंगे LHB कोच के साथ। इस समय जो हमारी 1203/2204 सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस है, इसमें 13 AC 3 टायर, 4 AC 6 कार और 2 जनरेटर यान के कोच होते हैं और इसमें पेंट्री कार कोच नहीं है। और जब इस ट्रेन को LHB कोच दिया जाएगा तो इसमें AC 6 कार के डिब्बे हटा दिए जाएंगे, मतलब कि 20 AC 3 टायर इकोनॉमिक कोच और 2 जनरेटर कम गार्ड डिब्बा होगा। इसमें एक ट्रेन में करीब 1600 यात्रियों की सीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इस समय जो हमारी 1203 नंबर की ट्रेन सहरसा से अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है, ये 1723 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में 57.43 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से तय करती है। वापसी में, मतलब कि 1204 जो अमृतसर से सहरसा के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है, ये 58.08 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से
29 घंटे 40 मिनट में इसी दूरी को तय करती है। चूंकि इस ट्रेन की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है, इसलिए भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार इसके किराए में सुपरफास्ट का अधिभार शामिल है। तो फाइनली अब जो हमारी सहरसा से अमृतसर के बीच में चलने वाली देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको भी LHB कोच मिल जाएगा और अब यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।